गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। शनिवार का दिन आराम से उठे क्योंकि आज जिम में क्राउड नहीं होता, तो आज जिम पहुंच गए। और आज सबसे बढ़िया, सबसे मेन बात यह है कि कविता पहली बार मेरी जिम में वर्कआउट करने आएगी। वो पहले कभी लॉकडाउन में आई होगी, उसके बाद वो कभी आई नहीं। आज हमें शाम को जाना है गुरुजी के मंदिर, तो इसलिए कविता यहीं वर्कआउट करेगी। तो मैं और कविता आज हम मेरी जिम में उमंग कताल फिटनेस में वर्कआउट करने वाले हैं। होगा भाई वर्कआउट? कितने एक्सरसाइज करिए? ये मारेगा, लगवा दूँ एक सेट? तो गाइस सबका वर्कआउट खत्म हो गया, मेरा शुरू नहीं हुआ है, वेट कर रहा हूँ, आएगी तो फिर वर्कआउट करेगी। तो गाइस ये आ गया जिम में और हम कर रहे हैं अपना वर्कआउट शुरू। हाँ तू बड़ा प्रमोशन कर रही है, क्या जानती है दुनिया? जानती है उमंग का त्याल को? चालू कर रहे हैं इसका है बैक डे, आर्म्स डे। मैं कर लूंगी, मैं तो बस हल्के बल गया था। अभी दिखा दूंगा रोते हुए, व्लॉग में दिखाऊंगा लोगों को। कौन जाने कुछ बोलेगा, स्लो 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 स्लो। कुछ नहीं बोलूंगा, स्लो 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 देख लियो। मुझसे वर्कआउट हो नहीं रहा था तो मैंने अपना पार्टनर बुला लिया जो मुझसे तगड़ा है। इसके लड़के जैसे डेल्ट चाहिए मुझे भाई, तो मैंने इसको बुलाया है। करवा दे एक्सरसाइज आज? तूने करवानी आज भाई? हमसे तो तेरे सेट ही नहीं उठती, कितना किलो क्या मार रहे हैं। मैंने तो आखिर में बुला लिया अंकित। चल भाई मार के दिखा दे सबको भाई। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। चल बढ़िया, एक दो बहुत बढ़िया, चलो तीन गजब, चार। अब पहली एक्सरसाइज लगा रहे हैं ये, और इसके ऑल्टरनेट पर लेकिन डबल एंड डबल। पंद्रह रैप इसके और ऑल्टरनेट लेके डबल एंड डबल। इंडियन नॉमिनेज भी था हमारे पास, ये हमारा डेल्टा अंकित। कौन सी हड्डी? ये ट्राइसेप हड्डी बता रही है इसको। अरे यार तेरी ट्राइसेप को हड्डी बता रही है। लास्ट गाइस अगला एक्सरसाइज है उन दोनों के बाद, तीन सेट इसके लेने हैं रोप के प्लस में पुली पुश डाउन के। 20 रैप इसके, 20 रैप इसके। मैं भी जाता आप तो मान ही गए होते ना। चल भाई लगा सेट। तेरा तो करवा ही रहा हूँ। चल चार सेट, चार रैप, चार रैप, दस सेट, दसवां सेट। चल खेच के ले, बहुत बढ़िया बेटे। अंकित मुंह फाड़ रहा बैठा बैठा पीछे। दो बहुत बढ़िया यार, कमाल है। तीन लास्ट है, चल मारना है बैठ के। चल आ गया, आ गया, आ गया। अरे बहुत बढ़िया यार, हो गया। आज का वर्कआउट कुछ अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि ना खाली जगह पे वर्कआउट करने में तो कभी मजा आया ही नहीं जिंदगी में। आज बिल्कुल जिम खाली थी लेकिन वो माहौल नहीं सेट हुआ, तो बेकार वर्कआउट। तो जो आज का वर्कआउट था इसको दोबारा कॉम्पनसेट करेंगे, मंडे को दोबारा कुछ करते हैं। अभी फिलहाल प्रोटीन पी लेते हैं और वो ऊपर लगी हुई अपना लेग्स मारने में। तो उस बंदी के अंदर एक बात तो है, वो वर्कआउट पूरा करती है भाई, वो नहीं छोड़ती। सीधा घर आ गया, गाड़ी बिठा लाई, केले ले आओ, केले ले आओ, केले ले, केले खा। अभी जो इससे पहले लाए थे वो क्यों नहीं दिखाई? बस क्यों, वो दिखाते ना, वो दिखा दो। उसमें तेरे रैप्टर पड़ता, जिसमें रैप्टर तुमने यहाँ पे मारा है, देखो दिखा दो सबको। उमंग देख, तुमने सच में मारा मुझे। कहोगे लग गया तो सही में लग गया। मैंने नहीं, मैं दीवार ने मारा, दीवार को पीटता हूँ। तुम मुझे धक्का दे रहा था इसलिए मारा तुमने। तू मेरे को रोक रही थी मेरे काम करने से इसलिए मारा है। क्या काम कर रहा था? अंदर घुस रहा था। क्या कर रहा था? कुछ भी कर रहा हूँ, अंदर जा रहा था, एक बार तो रुकी क्यों नहीं? मतलब तू मारेगा? बका मारा है, जुटी खाई देख लो हंसरी है। क्या रे, अभी केला चाय में डूबो खाएगी, केला चाय में डूबो खाएगी। अब मुझे पोस्ट मकान मील में केला था, वो नहीं खा पाई मैं। तो मैंने तो मील ही नहीं ली, तुम तो मील तो ले ली कम से कम। तो तू आया क्यों नहीं? मेरी गलती है क्या? तो फिर फोन करो, उठा रहा है नहीं उठा रहा। तेरे को मैंने कहा तूने क्यों उठाया? क्या मैं जैसे तो मैं जब तक तेरा फोन ही बंद हो गया, फिर ऐसी जब तक ऐसी मैंने जब तक निकाला जब से तेरा कट गया। तो दोबारा कॉल कर रहा था, तू कर ले दोबारा, वेट में डालता था। तो गाइस हमें आ गया गुरुजी का बुलावा, कोई प्लान नहीं था, एकदम प्लान बन गया। लगता है गुरुजी ने याद किया हमें, तो हम पहुंच रहे हैं गुरुजी के पास और आपको भी गुरुजी के दर्शन कराएंगे क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं होते, तो हम जितना हो सके आपको दिखाएंगे गाइस। पार्किंग में तो अलाउड होता है, हम दिखा देंगे। पार्किंग में हाँ, शिव जी वो जो शिवलिंग है, शिवलिंग है तो वहाँ जा रहेगा। जो जो भी गुरुजी को मानता है सब बोलो जय गुरुजी हर हर महादेव। चलो
चलो स्कूटी पे जाने का प्लान बन गया, हो गया तैयार। मैं भी नकाब पहन लूँ अपना ताकि ठंड बहुत है, सेफ्टी पहले, और जाम ना मिले इसलिए हम जा रहे हैं स्कूटी पे। ठंड है लेकिन मनाली वाली थोड़ी है, तो ठंड तो लगती रात में, पेड़ वेड़ है वहाँ पे। हाँ पेड़ वेड़ है, कोई भी बुलावा आसान नहीं होता। कितना टाइम देख लो, हाथ चिल्ड पड़ गया भाई स्कूटी पे, बहुत ठंड है। ठंड तो छोड़ो, ये ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक भी बहुत है यार। इतना जाम से हम आए ना, हमें जाम में पता पता नहीं, मेरी आवाज जा रही नहीं जा रही है, बहुत जाम से आए हम, बहुत ज्यादा जाम से। मतलब हम सोच रहे हैं कि हम लोग स्कूटी में आए तो हमें तो टाइम लग गया, अगर हम गाड़ी से आते तो शायद हम दर्शन भी नहीं कर पाते, मंदिर बंद होने के बाद पहुंचते। हाँ और ठंड भी बहुत ही ठंड है, देखिए आधे का सूखे पड़ गए आज। मैं तो ग्लव्स पहन के आई, तुम ले लेना मेरे ग्लव्स। नहीं मैं ग्लव्स नहीं लूंगा, मैं भी स्कूटी तेरे को दे रहा हूँ। तो गाइस फाइनली दर्शन हो गए हमारे, और बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है, और हम निकल रहे हैं घर की तरफ। लेकिन अंदर जैसा कैमरा चलाना अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से दर्शन करवा देता हूँ। सारे मिलके बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये आश्रम है और हम पार्किंग में खड़े होकर आपके लिए व्लॉग ले रहे हैं, ताकि आप लोग हमारे साथ दर्शन कर सको। जय गुरु जी। अब स्कूटी तैयार है, जाएंगे अपना घर। ये भी तैयार, ठंड बहुत हो रही है गाइज, हेलमेट पहन लिया है, ग्लव्स पहन लूँगा, अब चलते सीधा घर मिलेंगे, क्योंकि रास्ते में व्लॉग बनाने की हालत नहीं होगी, बहुत तगड़ी ठंड है। ठंड थी ना गाइज, हालत ख़राब हो गई, अभी तक मेरे को कप कभी छूट रही है, लेकिन मील लेनी है तो आती मील ले रही है अपनी। ये रही मेरी मील, उसके बाद थोड़ा सा दही मत खाओ, मैं तो पसंद है मुझे, थोड़ी सी देखेंगे सलाद के साथ खाना, सलाद नहीं अच्छा लगा ठंड में, है ना। हाँ पानी भी पसंद नहीं आता ठंड में, थोड़ी सी सीरीज देखेंगे और फिर सो जाएंगे। तेरे को समझ में नहीं आई वो ढूंढा तो। गाइस गुड नाइट, सो रहा हूँ नींद आ गई बहुत तेज। गुड नाइट, देख 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 देख